क्लासेस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। कोई भी रिएक्शन है, एग्रेशन है, N2+3H2 रिवर्सिबल 2N3। अब इस रिएक्शन के लिए हमको साम्य स्थिरांक यानी कि कैसी गणित की गणना करनी चाहिए। रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सल रिएक्शंस में एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरी बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन होगी RF एंड बैकवर्ड रिएक्शन R। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर अभिक्रिया की दर होती है RF इस प्रोपोर्शनल होगी N2 और H2 पावर 3 प्रोपोर्शनल बताएंगे RF बराबर KF RF is equal to
होगा आरबी, आर एफ जो होता है वो आरबी के बराबर हो जाएगा। अब आर एफ की वैल्यू और एन आरबी की वैल्यू यहां से रखते हैं, तो के एफ इंटू इसके एम्पायर की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आरबी HCl3 की कंसंट्रेशन एंड CL2 की कंसंट्रेशन, दोनों को KF अपॉन KB इज इक्वल टू हो जाएगा HCl3 की कंसंट्रेशन एंड CL2 की कंसंट्रेशन अपॉन HCl5 की कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन के लिए अब इसकी जगह पर हम केसी लिख देंगे, के एफ और के बी की जगह पर लिख देंगे केसी, क्योंकि पहले भी पता चला कि के एफ और के बी का जो रेशियो होता है यानी कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन के जो वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, रेट कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। केसी के इक्वल होता है के एफ अपॉन के बी का जो रेशियो होता है वो केसी होता है। तो इसकी जगह पर केसी लग जाएगा, केसी इक्वल टू हो जाएगा पीसीएल3 की कंसंट्रेशन सीएल2 की कंसंट्रेशन अपॉन पीसीएल5 की कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है गैसीय अभिक्रिया के लिए केपी और केसी का संबंध। गैसीय अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, एंड केसी। अब देखिए इसको डायराइव कैसे करेंगे, इसके लिए कोरिलेशन है ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, स्मॉल ए जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की, स्मॉल बी बी की कॉन्सेंट्रेशन है, अब इसको अगर हम आंशिक पदों के रूप में लिखे के पी आंशिक पदों के रूप में लिखते हैं आंशिक पदों के रूप में यानी कि के पी की फॉर्म में लिखते के पी इज इक्वल टू होगा पी सी इंटू सी की पावर सी चला जाएगा और पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए इंटू पी डी की पावर डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अगर इस रिएक्शन को हम रिएक्शन है इसको अगर कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखे कॉन्सेंट्रेशन के पदों में लिखे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलर सांद्रता के रूप में, मोलर सांद्रता के रूप में लिखने पर केसी की वैल्यू के रूप में है केसी इज इक्वल टू होगा सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए की कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बी। यहां से देखिए अब देखिए किसी गैस का जो दाब होता है आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होते हैं पीपी बराबर एन आरटी। समीकरण से जो कि होती है पी वी बराबर एन आर, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन बी इंटू आर यानी कि एन अपॉन बी जो है दाब बराबर होगा मोलर सांद्रता, एन अपॉन बी जो होती है वो मोलर सांद्रता होगी यानी कि मोलर सांद्रता गुणा आर। किसी गैस का जो दाब होगा वो हो जाएगा मोलर सांद्रता।
अगर हम गैस ए देखें तो ए के लिए गैस ए का दाब, गैस ए का दाब पी ए इज इक्वल टू होगा, अब ए के लिए क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाएगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टू, आर टू का ए आ जाए। अब इसी प्रकार बी के लिए, और बी और गैस बी, तो पी बी इज इक्वल टू होगा बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी की पावर बी। इसी टाइप से फॉर सी, तो पी सी इज इक्वल टू होगा सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी की पावर सी, और पी डी इज इक्वल टू होगा डी की पावर बी इंटू आर टी की पावर स्मॉल डी। अब देखिए ये इक्वेशन ए बी एंड बी जो है, अब इनकी जो पावर है ये जो है इनको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखे जाते हैं तो यानी कि केपी की वैल्यू में अगर इनको रखा जाए ए को ए ये पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू पी सी की वैल्यू और पी डी की वैल्यू अगर इनको हम इसमें रखते हैं तो आएगा ये होगा यहां से लिखेंगे इक्वेशन ए बी सी एंड डी पुट इन फर्स्ट, तो केपी जो होगा केपी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी की पावर से, आप देखिए यहां पर आ जाएगा पी हटा देंगे तो आ जाएगा ओके ये हो जाएगा सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी इंटू डी की पावर डी आर टी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी। अब देखिए इनको कॉमन ले लें आर टी को क्योंकि आर टी नेम है, इसलिए के पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी की पावर सी बी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी, और यहां आ जाएगा इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी, और ये ऐसे ही हो जाएगा आर टी की पावर ए प्लस। अब ए बी को ऊपर ले जाए तो के पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। आर टी की पावर जो होगी वो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो गया। अब इतनी जो वैल्यू है ये वैल्यू है एसी की, क्योंकि समीकरण इक्वेशन जो है ये सेकंड सेकंड में से केसी की जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है वो केसी की आ रही है, तो के पी इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कि इक्वेशन सेकंड से के पी इज इक्वल टू हो जाएगा केसी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब क्योंकि ये मोल्स के नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको मोल्स निकालते हैं एन, एन टू एन वन माइनस एन टू या एन टू माइनस एन वन करके निकाल सकते हैं, यहां पर हो जाएगा तो डेल्टा एन बराबर हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसके लिए रख देंगे यहां पर के पी इज इक्वल टू ए सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, रिलेशन होता है इसे गैसीय अभिक्रिया के लिए एसी और एसी में रिलेशन। एक बार फिर से समझा देता हूं, कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इस तरह को भी जो बढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले कैसे करते हैं। तो अगर इसको हम आंशिक पदों के रूप में लिखें पी के रूप में तो के पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी की पावर सी बी और ए और बी। अब इसको अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में अगर आता है तो केसी तो सी की पावर सी की कॉन्सेंट्रेशन सी डी की कॉन्सेंट्रेशन डी ए की कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बी हो गए। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी के बराबर एन आर टी होती है आदर्श गैस समीकरण, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन बी इंटू आर टी। अब एन अपॉन बी जो होती है वो होती है मोलर सांद्रता, यानी कि मोलों की संख्या प्रति आयतन मीटर, तो दाब इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर सांद्रता गुणा आर। अब गैस ए का जो दाब होगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए
इनटू आर डी की पावर ए हो जाएगी। इसी प्रकार बी के लिए बी की पावर बी और आर डी की पावर बी, चारों वैसों के लिए सी और डी के लिए निकालना है। अब इक्वेशन ए बी सी एंड डी जो आए हैं इन इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, क्योंकि पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू, पी सी की वैल्यू और पी डी की वैल्यू। जब इन समीकरणों को रखते हैं इसमें तो आता है कि ए इज इक्वल टू सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर डी, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर डी अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर डी प्लस इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर डी। अब आर डी को कॉमन ले लिया, आर डी को जो कॉमन लेंगे तो आएगा सी की कॉन्सेंट्रेशन डी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर डी की इंटू आर डी की पावर सी प्लस डी अपॉन ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन। ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए बी की आर डी की पावर ए प्लस बी। अब क्योंकि अब इसको आर डी को कॉमन लेकर ए प्लस बी के मोल जो है ऊपर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी एबी की सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। इतनी जो वैल्यू होती है ये होती है के सी की वैल्यू, जैसा कि पहले भी निकाल चुके हैं। तो इसकी जगह पर हम के सी की वैल्यू रख देंगे, जैसा कि लिखा है इक्वेशन सेकंड से, इसकी जगह पर केसी आ जाएगा। तो केसी इंटू आर डी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी, क्योंकि ये ए बी सी और डी जो है वो मोलों की संख्याएं हैं, तो मोलों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एन टू माइनस एन वन करके निकालेंगे डेल्टा है। तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा केसी इंटू आर डी की पावर डेल्टा है।